गुड मॉर्निंग स्मार्ट लर्नर्स ऑफ एपीएस, हाउ आर यू? कैसे हो बेटा? अपना ध्यान रखना है खूब सारा और खूब सारी पढ़ाई करनी है। आज की क्लास हम शुरू करते हैं एक थॉट के साथ, और वो क्या है कि समटाइम्स वी फील सैड फॉर लूजिंग समथिंग। हम किसी चीज को खोने के डर से उदास हो जाते हैं, बट बिफोर थिंकिंग ऑफ दैट वी शुड ऑलवेज थिंक ऑफ अ ट्री। हमें एक ट्री के बारे में सोचना चाहिए जो हर रोज अपने पत्तों को खोता है, पर वो ट्री हमेशा वहीं पे खड़ा रहता है क्योंकि उसको पता होता है कि थोड़े दिन के बाद उसके पेड़ पर, उसकी ब्रांचेस पर नए लीव्स आ जाएंगे। ऐसे ही बेटा हमें भी, कोई चीज अगर हमसे खो जाती है हमें उसके लिए उदास नहीं होना है। हमें ये नहीं सोचना है कि हम उसको नहीं पा पाएंगे, हमें ये सोचना है कि वो कभी ना कभी किसी ना किसी दूसरे वे से हमारे पास दोबारा आ जाएगी। तो इसी होप के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। बच्चे, आज आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी, मोटिवेशनल स्टोरी है, डोंट लूज होप। हमें कभी भी अपनी उम्मीद छोड़नी नहीं चाहिए। ये कहानी है एक बॉय की जिसका नाम है पार्थ। पार्थ क्या करता है बेटा, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हमेशा तैयारी करता रहता है, और 2 साल लगातार तैयारी करने के बाद वो एग्ज़ाम देता है। एग्ज़ाम का जब रिज़ल्ट आता है तो रिज़ल्ट उसकी फेवर में नहीं होता, वो क्लियर नहीं कर पाता है उस रिज़ल्ट को। और जब उसको पता लगता है कि वो उस रिज़ल्ट को क्लियर नहीं कर पाया, उस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाया, वो बहुत उदास हो जाता है। उदास होके वो नदी के किनारे चला जाता है। उसको सोच आती है कि शायद मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, और इसी सोच के साथ वो नदी के किनारे जाकर खड़ा हो जाता है कि मुझे अब क्या करना चाहिए, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकूं। अभी वो ये सब सोच रहा होता है, अपने बारे में सोच रहा होता है कि मैंने क्या करना है। वहाँ पर उसको एक स्क्विरल दिखती है। वो स्क्विरल क्या कर रही होती है, पानी में डुबकी लगाती है और बाहर आकर वो अपने आप को मिट्टी में रोल करती है। लगातार देखता रहता है पार्थ उसको कि ये ऐसा क्यों कर रही है। वो अपने मन में सोचता है कि ये क्यों कर रही है। स्क्विरल उसकी इस बात को सुन लेती है। वो कहती है कि मैं इस नदी को एक बैरन लैंड, एक बंजर ज़मीन में चेंज कर दूंगी। पार्थ इस बात पे बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है। स्क्विरल को कहता है, तुम ये कैसे कर सकती हो, इसमें तो गैलन्स ऑफ वाटर है, इतना पानी है, मैं पूरी लाइफ नहीं कर सकता, तुम छोटी सी स्क्विरल ऐसे कैसे कर सकती हो। स्क्विरल कहती है कि इस नदी ने मेरे सारे जो बच्चे थे उनको अपने अंदर ले लिया, मेरे सारे बच्चे इस नदी में चले गए, और अब मैंने ये ठाना है कि मैं इस नदी के पानी को सुखा दूंगी। जब पार्थ ये सुनता है वो बहुत हैरान होता है, और वो मन में ये डिटर्मिनेशन लेता है कि अगर एक छोटी सी स्क्विरल इतना बड़ा फैसला ले सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और वो उस स्क्विरल को हैट्स ऑफ करके वहाँ से चला जाता है और घर आकर दोबारा एग्ज़ाम्स की तैयारी शुरू कर देता है। बेटा, हमने पिछले अपने 2 लास्ट वीडियो लेसन्स में लेसन 8 को पढ़ा। हमने पढ़ा कि हमें सेफ्टी रूल्स को, अगर हम घर पे हैं, हम स्विमिंग पूल में हैं, हम स्कूल में हैं, प्लेग्राउंड में हैं, हम बस में हैं, और हम कहीं पे भी हैं, अपने आप को अगर हमें सेफ रखना है तो कैसे हम सेफ्टी रूल्स को फॉलो कर सकते हैं और अपने आप को सेफ रख सकते हैं, अपने आप को चोट लगने से बचा सकते हैं। ठीक है, हमने फर्स्ट एड के बारे में भी पढ़ा। फर्स्ट एड क्या होती है, किसी पेशेंट को अगर किसी को चोट लग जाती है या कोई पेशेंट होता है, डॉक्टर के पहुंचने से पहले अगर उसको कोई ट्रीटमेंट मिल जाता है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट एड। ये तो था हमारा लेसन का कॉन्सेप्ट, और आज के वीडियो लेसन में हम लेसन का एक्सरसाइज पार्ट सॉल्व करेंगे। नाउ बच्चे, इज द टाइम टू एंजॉय एनिमेशन पार्ट ऑफ योर चैप्टर। यू शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स एट होम एज वेल एज आउटसाइड द होम। These rules avoid accidents. Here are some safety rules for you. While on the road, always walk on the footpath. Walk on the right side of the road. Always cross the road at the zebra crossing. If there is no zebra crossing, wait till the road is clear.
Never play on the road. A running vehicle may hit you. Do not tease stray animals you find on the road. While traveling in a bus, stand in a queue at the bus stop. Never lean out or put your hand out of the window of a moving bus. Never get in or get off a moving bus. At home, do not touch electric switches and wires with wet hands. Do not play with sharp things like blades and knives. Do not play with fire. While playing, play in the park or in the playground. Always play safe games. Do not stand in front of the swings. Do not jump off the seesaw. While swimming, do not go alone for a swim. Use a swimming tube while learning to swim. Always take a bath after a swim. At school, do not jump on the benches. Do not push anybody. Do not run up or down the stairs. First aid. First aid is the immediate treatment given to a person who gets hurt. If someone gets hurt, you must inform an elder person. If you are at home, inform your parents or elder brother or sister. If you are at school, inform your teacher. Start with our today's video lesson. आज हम test yourself part करेंगे lesson 8 का. ठीक है? हमने इसका concept clear कर चुके हैं. Safety rules के बारे में हम पढ़ चुके हैं सब कुछ. आज हम exercise part को solve करेंगे. Before moving ahead, let's remember the main points of the lesson. We should follow safety rules to avoid accidents. हमें अगर accidents को avoid करना है तो हमें सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए. वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स एट होम एंड आउटसाइड द होम. सेफ्टी रूल्स हमें सिर्फ घर पे ही नहीं फॉलो करने, घर के बाहर भी जब हम जाते हैं तो फॉलो करने हैं. फर्स्ट एड इज़ द इमीडिएट ट्रीटमेंट गिवन टू अ पर्सन हु गेट्स हर्ट. फर्स्ट एड क्या होता है? जो एकदम किसी को ट्रीटमेंट दिया जाता है जब उसको किसी भी इंसान को चोट लग जाती है. तो ये था बेटा हमारा रिमेंबर पार्ट. नाउ वी आर मूविंग अहेड विद टेस्ट योरसेल्फ पार्ट. टेस्ट योर सेल्फ में क्वेश्चन नंबर ए है, टिक द करेक्ट आंसर. बेटा हमेशा की तरह आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ऑप्शन दी जाएंगी आपको और आपने जो सही ऑप्शन है उसको करेक्ट करना है. वी शुड क्रॉस द रोड एट द जिराफ क्रॉसिंग और जेब्रा क्रॉसिंग. हमें रोड कहाँ क्रॉस करनी चाहिए? जिराफ क्रॉसिंग तो होती ही नहीं है, हमें जेब्रा क्रॉसिंग पे. तो यहाँ पे टिक आएगा, ठीक है, बी के आगे टिक आएगा. फिर शुड बी प्ले ऑन द रोड. क्या हमें रोड पर खेलना चाहिए? नो या यस? हमारा आंसर है नो, हमें सड़क पर नहीं खेलना चाहिए, रोड पर नहीं खेलना चाहिए. तो यहाँ पे ए में टिक करेंगे. द रेड लाइट मीन्स, रेड लाइट का जब रोड पे ट्रैफिक लाइट्स होती हैं रेड येलो ग्रीन, तो रेड का क्या मतलब होता है? इट मीन्स स्टॉप. तो हमें स्टॉप बी के आगे बॉक्स में टिक करना है. फर्स्ट का आंसर है बी, सेकेंड का आंसर है ए और थर्ड का आंसर है बी. नेक्स्ट है राइट टी फॉर द ट्रू एंड एफ फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट्स. जो स्टेटमेंट सही होती है उसके लिए हमने टी लिखना है, क्योंकि टी का मतलब है यहाँ पे ट्रू, सही, और जो गलत है उसके लिए एफ लिखना है. एफ का मतलब है फॉल्स और फॉल्स का मतलब है गलत. सेफ्टी रूल्स हेल्प टू अवॉइड एक्सीडेंट्स. अगर हम सेफ्टी रूल्स फॉलो करते हैं तो हम एक्सीडेंट्स को अवॉइड करते हैं. तो ये ट्रू है, हम यहाँ पे टी लिखेंगे, सही है ये. अगर सेफ्टी रूल्स हम अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो हम चोट लगने से बच सकते हैं. वी शुड वॉक ऑन द रोड. हमें सड़क पर चलना चाहिए, ये तो फॉल्स है, क्योंकि सड़क पर अगर हमें नहीं चलना है, अगर हम सड़क पर चलेंगे तो हमें चोट लगने का डर है. व्हीकल्स होते हैं सड़क पर बहुत सारे, हमें सड़क पर नहीं फुटपाथ पर चलना है. वी मस्ट नॉट गेट इन और गेट आउट फ्रॉम अ मूविंग बस. हमें चलती हुई बस से ना उतरना है और ना ही उसमें चढ़ना है. तो ये ट्रू है, इसको टी डालेंगे हम यहाँ पे. वी शुड गो अलोन फॉर अ स्विम. हमें स्विमिंग के लिए अकेले जाना चाहिए, ये तो फॉल्स है, क्योंकि हमें जब भी स्विमिंग के लिए जाना है तो
तो हमें अपने किसी बड़े के साथ या अगर हमारे कोच वहाँ पे हैं तो उनकी ऑब्जर्वेंस में हमें जाना है, उनकी देख रेख में हमें स्विमिंग करनी है। तो यहाँ पे फॉल्स है, वी शुड नॉट रन अप और डाउन द स्टेयर्स, हमें सीढ़ियों पर ना दौड़ते हुए चढ़ना है और ना ही उतरना है, ये ट्रू है। तो बेटा पहला है ट्रू क्योंकि सेफ्टी रूल्स हमें बचाते हैं, दूसरा है फॉल्स क्योंकि हमें रोड पर नहीं चलना है, तीसरा है ट्रू क्योंकि हमें चलती हुई बस से ना उतरना है ना चढ़ना है, फोर्थ है फॉल्स क्योंकि हमें अकेले स्विमिंग करने नहीं जाना है, और फिफ्थ है हमारा ट्रू क्योंकि हमें ना सीढ़ियों से दौड़ते हुए चढ़ना है और ना ही उतरना है। ये हो गया बेटा आपका बी पार्ट। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ टूडेज वीडियो लेसन दैट वील सोल्व इज आंसर दीज क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, हमने इनको सोल्व करना है। वाई शुड वी फॉलो सेफ्टी रूल्स, हमें सेफ्टी रूल्स क्यों फॉलो करने चाहिए, आंसर हम इसका लिखेंगे वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स टू अवॉइड एक्सीडेंट्स। आंसर मैम दोबारा बोल रहे हैं बेटा, वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स टू अवॉइड एक्सीडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड वी यूज व्हाइल लर्निंग टू स्विम, हम जब स्विम करते हैं सीखते हैं तो हमें क्या यूज करना चाहिए, वी शुड यूज स्विमिंग ट्यूब्स व्हाइल स्विमिंग, हमारा आंसर होगा वी शुड यूज स्विमिंग ट्यूब्स व्हाइल स्विमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर शुड वी प्ले गेम्स, हमें गेम्स कहाँ खेलने चाहिए, इसका आंसर है वी शुड प्ले गेम्स इन पार्क और इन प्ले ग्राउंड, वी शुड प्ले गेम्स इन पार्क और इन प्ले ग्राउंड। सो बेटा दिस वॉज ऑल अबाउट योर टूडेज वीडियो लेसन, आज हमने पार्ट ए बी सी इन तीनों को सॉल्व किया है, हमने थिंक एंड आंसर, एक्टिविटी पार्ट और लाइफ स्किल्स पार्ट लास्ट वीडियो लेसन में कर लिया है। नाउ बच्चे लेट्स वॉच फन एक्सपेरिमेंट, बट आपको जो भी अपना एक्सपेरिमेंट करना है आपको अपने फादर मदर अपने पेरेंट्स की गाइडेंस में ही करना है। बच्चे आज के फन एक्सपेरिमेंट में हम देखेंगे कि कई बार जो बलून्स होते हैं, हमें ये तो पता है कि बलून जब फ्लेम के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आते हैं, जब बलून को सीधा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में फ्लेम की आग के में रखा जाएगा इट विल पॉप, ये बर्स्ट हो जाएगा, जैसे अभी कि जब बलून सीधा डायरेक्ट फ्लेम के कॉन्टेक्ट में आया इट बस्टेड अप, ये फूट गया। और कई बार बलून ऐसे भी होते हैं अगर उसको फ्लेम के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में लेके आते हैं तो देखें क्या होगा, दिस इज नॉट बर्स्टिंग, ये फूट नहीं रहा। आप बता सकते हो व्हाई, ये क्यों है ऐसा, ऐसा क्यों हो रहा है कि पहले तो एकदम हमारा बलून था वो बर्स्ट हो गया था, फूट गया था, और अब ये उसी तरह है। Now I will tell the reason behind it. इसमें बेटा there is some amount of water in the balloon. इस वाले बलून में पानी है, ये देखिए water is there. और water ने बलून को अंदर से cool कर दिया है इसलिए ये फूटा नहीं था। तो this was the science behind this. At the last of today's video lesson, I would like to say that beta always take care of yourself. Always follow the safety rules to protect yourself. अपने आप को हमेशा सेफ रखिए, ध्यान रखिए। We'll meet you soon. Till then, take care. Thank you, बेटा.